शिमला मिर्च की। फ्रेंड हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप भी कर सकते हो, घर से, घर की छत से शुरू कर सकते हैं। तो ये आइडिया मैंने मैडम को बताया, फिर आगे मैडम ने अपने आप आज मैं अपनी खुद ही बनाती हूँ, जो किचन वेस्ट होता है मेरा सारा, उससे मैं ये खाद का ड्रम रखा हुआ है। अब ये भर गया था, फिर हमने अगेन क्यारी में एक जगह बनाकर उसी में बनाया। कोई भी किचन वेस्ट मेरा बेकार नहीं जाता, उससे मैं बायोजैन भी बनाती हूँ, खाद भी बनाती हूँ, और प्लस इनको भिगोकर 24 घंटे भिगोकर रखने के बाद उसका फर्टिलाइज़र के रूप में उनका पानी भी देती हूँ। मैंने ऊपर तो वेजिटेबल किया हुआ है सारा, वेजिटेबल्स प्लस थोड़े से फ्लावर्स ऊपर लगाने पड़ते हैं, इनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती जब तक हमारे यहाँ मधुमक्खी या बीन्स वगैरह ना आए, तो इसके लिए फ्लावरिंग भी करनी पड़ती है। प्लस हम जब यहाँ बैठते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें थोड़ा बहुत खुशबू या अच्छा एनवायरनमेंट के लिए भी फ्लावरिंग की हुई है। अभी आजकल तो YouTube ही बहुत रहती है, इसलिए YouTube काफ़ी मेरी सहायक रही है। ये बहुत डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी हैं, उनका YouTube पे चैनल है, और डॉक्टर बोगरा से हमारी जान पहचान हुई, उनके थ्रू ये वेस्ट डिकम्पोजर का मुझे पता चला था, वो बनाया था। ये सारी नीम लीव्स हैं जिसका हमने नीचे पानी बनाया हुआ था, जो यूज़ आ जाता है। उसके बाद नीम लीव्स भी ख़राब नहीं होती हैं, वो हैं एक्शेल्स हैं, ऑरेंज पील्स हैं, और प्लस गेंदा फ्लावर जो हमारे मंदिरों में चढ़ते हैं, ये मैं वहाँ से ही कलेक्ट किए हुए हैं। इससे बेटर ना ये देख, मैं सुजीत तो गुप्ता हैं, उनके पास से मैं गाय का गोबर लाई हूँ, ये भी मेरा यूज़ हो जाता है खाद वगैरह में। ऐसे हम डाल के अब इसको भर लिया था, तो उसके बाद हम इसको बंद करके रख देंगे महीना डेढ़ के लिए। तो ये आजकल समर्स में डेढ़ महीने में मेरी खाद रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। दोनों तरह के घी हैं इस पे, गोल वाला भी और वाला। ये दो बेल्स चढ़ाई हुई हैं, ये खीरा और एक खीरा लगा हुआ है, ये छोटे छोटे, ये पालक, अदरक की निकल आई रूट्स, स्टिक्स लगाए हैं, स्टिक्स के ऊपर लिखा हुआ है अदरक। ये 5 को मैंने इसको सीड्स को ग्रो करने के लिए रखा था, ये अब रूट इसके निकल गए हैं। टिंडा है, तरबूज सेम और टिंडा, ये सारे ग्रो कर ले हैं अभी, ये मतलब अब प्लांट्स। ये अभी ऊपर मैंने फ्रूट्स का भी अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रही हूँ, ये गुवावा और ये अनार, मौसमी और नींबू अभी यही लगाए हैं। कूलर का पंप लगाया हुआ था जिससे ये सारा झरना चलता था, फिर मेरा ये थोड़ा लीकेज हो गई, इसको अब मैंने यूज़ किया है, सारा फ्लावरिंग किया है इसमें। बस मेरे नीम पानी बनाया हुआ है, उसको आप मोपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नहाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे हम ज़्यादा सोप वगैरह यूज़ नहीं करते तो उसमें यूज़ करते हैं। ये नीम लहसुन और हरी मिर्च का पेस्टिसाइड बनाया हुआ है मैंने, ये 3 महीने में रेडी होता है। और इसी तरह ये फ्लावर्स का बनाया कि फ्लावर्स का घर में काम आ जाता है फ्रेग्रेंस के लिए, ये रोज़ फ्लावर बनाया हुआ है मैंने, ये ऑरेंज पील्स का बनाया हुआ है, ये हम अपना मोपिंग वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, ये 3 महीने में रेडी होते हैं सब। अब ये खाद में चला जाएगा, ये बादाम के छिलके अखरोट ये लगाया है, ये शुगर पेशेंट के लिए काम आता है स्टीविया प्लांट। स्टीविया क्योंकि जैसे हम वो नहीं डाल सकते, शुगर नहीं डाल सकते इनकी किसी भी चीज़ में, तो ये प्लांट, ये पत्ता एक डाल लो तो ये शुगर का ही काम करेगा। हाँ जी, हाँ। तो यानी कि मीठी हो जाएगी चाय बहुत ज़्यादा, आप इसको खा के देखो, टेस्ट करके देखो, इसका बहुत ज़्यादा मीठा है। हाँ, लेमन ग्रास,
ये टी में प्रेगनेंस के लिए डाल सकते हो, वैसे भी यूजफुल होता है। हेल्थ से मेरे हस्बैंड पूरा साथ देते हैं और मेरे बच्चे भी दे देते हैं साथ। जैसे सारा कुछ नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे लाना, हर टाइम इनको ही आवाज़ें लगती हैं कि बच्चों जाओ लाओ। और गार्डनिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हस्बैंड मेरे, पूरी मदद करते हैं खाद बनाने में, और जो खर्चा होता है सारा इन्हीं की जेब से।